तो भैया कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मिस्टीरियो इज स्टिल अलाइव और उसमें हृदय कुमार ये पूछते हैं व्हाई वेनम इन नोवे होम जिसके बाद तो मेरा मन किया कि उनको बोल दूं कि भैया वो दारू पीने आया था और जब उसका दारू पीना हो गया तो चला गया क्योंकि मैंने वेनम टू के एंडिंग एक्सप्लेन और स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग एक्सप्लेन प्लस स्पाइडरमैन के फ्यूचर प्लान के ऊपर जिस वीडियो में बात किया है उसमें मैंने इन डेप्थ इस चीज को कवर किया हुआ है बट शायद तक उन्होंने ये नहीं देखा है इसीलिए कमेंट सेक्शन में वो पूछ रहे हैं इनफैक्ट ये एक लौते नहीं है बल्कि और भी कमेंट थे की वेनम का काम ही क्या था एमसीयू में जब उसको दारू ही पीना था तो सोचा इस चीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता प्लस हृदय भाई ने भले ही मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखा है बट उन्होंने कमेंट करते समय मुझे भाई बोला तो एक भाई का इतना फर्ज तो बनता है की अपने दूसरे भाई को सारा माजरा समझाए तो गर्स हेयर आई एम एक्सप्लेनिंग की वेनम नो वे होम में क्यों था सो so, इसका शॉर्ट में आंसर दूं तो उसका काम सिर्फ सिम्बायोट को एम अर्थ में लाना था बिना किसी के नजर में आए क्योंकि मान लीजिए कि सिम्बायोट को अर्थ लाने का जो बेसिक तरीका है वो ये लोग अपनाते हैं जिसके अंदर किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए भेजते हैं एंड उनके साइड ऐसी वो आता है तो जिस गवर्नमेंट या कंपनी ने उन एस्ट्रोनॉट को भेजा था रिसर्च के लिए वो उनके पास चला जाएगा जैसा की हम लोगों ने वेनम मूवी के अंदर देखा एंड अगर हम ये मान लेते हैं की स्पाइडरमैन मूवी के जैसे ही किसी एस्ट्रॉइड के जरिए वो अर्थ पे आ गिरता है तो वो किसी न किसी के नजर में आ जाएगा क्योंकि क्यूँकी अर्थ थोड़ा सा एडवांस है कम्पेयर टू अदर्स जिसके वजह से जब वो अर्थ में आएगा तब वो किसी न किसी के नजर में पड़ जाने की वजह से किसी लैब में कैद रह जाएगा अब अगर वेनम का टुकड़ा यहाँ इस पब में रह गया है जो की एक पब्लिक प्लेस है तो यहाँ से वो किसी को भी मिल सकता है जिसको मार्वल वाले अपने कहानी में फिट कर सके क्यूँकी वेनम टू में हम लोगों ने देखा था की कैसे क्लैसिडी को इतना सा वेनम टुकड़ा मिलता है तो वो कार्नेज बन जाता है तो एमसीयू में भी ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें से सबसे ज्यादा चांसेस तो वेनम के ही होने के होंगे क्योंकि बॉस मतलब वर्सेस वेनम का लाइव एक्शन तो मतलब? हमने लास्ट टाइम स्पाइडरमैन थ्री में देखा था जो की मुझे काफी अच्छा लगा था क्यूँकी उससे पहले मैंने नाइनटीज के शो में ही देखा था एंड स्पाइडरमैन का इस ब्लैक सूट का तो फैन मैं शुरू से था तो मुझे तो उस वक्त के हिसाब से ये लाजवाब लगा था ये अलग बात है कि जब मैंने वेनम के बारे में कॉमिक्स में जाना और उसके ऊपर मूवी बनी तो एहसास हुआ कि वेनम उस समय के हिसाब से सही था बट अभी के हिसाब से टॉम हार्डी जैसा वेनम लगेगा सो MCU में अगर किसी को वेनम सूट देना है तो वो हट्टा कट्टा होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली अगर वो सेफ गेम खेलना चाहते है तो वो यहाँ पे किसी को वेनम बना देंगे या फिर कोई नया कैरेक्टर या फिर अगर वो लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो एजेंट वेनम से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यही एक चीज है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है जो वेनम से रिलेटेड हो अगर हम बात करें टॉक्सिन की तो उसका हिंट 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 हमें वेनम में 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 मिल चुका है प्लस क्रेडिट हाइव माइंड के बारे देकर उन्होंने नल को भी हिंट कर दिया है लेकिन अगर वो एजेंट वेनम को एमसी में नहीं दिखाना चाहते है तो वो लोग वही पुराना रास्ता अपना सकते हैं जिसमे पीटर को किसी तरह सिम्बायोट मिलता है जिसके बाद ऐसी सिम्बायोड पहन कर वो अपने विलन को धोता है बट जैसे ही पीटर को एहसास होता है कि ये सूट उसको करप्ट कर रहा है तो वो इसको खुद से अलग कर लेता है जिसके बाद सिम्बायट उसको मिलता है जिसको स्पाइडरमैन से प्रॉब्लम हो या फिर वो पीटर से नफरत करता हो सुनने में ये स्पाइडरमैन स्पाइड की कहानी लग सकती है तो इसके अंदर कार्टून वाले वर्जन के जैसे ही ये लोग थोड़े स्टेक्स बढ़ा सकते हैं सिनिस्टर सिक्स को भी सेम मूवी में दिखा के या फिर ये वेनम का टुकड़ा ओरिजिनल वेनम के जैसा ही अच्छा निकले और वो स्पाइडरमैन के साथ जुड़ने के बाद अच्छा ही रहे तो मे भी हमें ब्लैक सूट स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा जो कि काफी धमाकेदार होगा जिसकी एक कहानी के बारे में, में जहाँ पे में मिल जाएगा वैसे अभी तक तो जो मैंने बताया वो सब आपको छोटी लगेगी अगर सोनी वाले भी वही सोच रहे है जो मैं सोच रहा हूँ एज मेरे ख्याल से सोनी वाले तीनों स्पाइडरमैन को शायद तक फिर से एक साथ लाएंगे ताकि सोनी के मार्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं है उसके लिए उसे टीम लगेगी जिसको अलग अलग यूनिवर्स से लाया जाएगा जिसके लिए मैडम वेब की जरूरत पड़ेगी जिसका अनाउंसमेंट तो बहुत पहले ही हो गया था लेकिन कास्टिंग के बारे में अभी जाके खबर आई है की डकोटा जॉनसन को उस रोल के लिए चुना गया है टोबी में का स्पाइडरमैन ऑलरेडी वेनम सिम्बाउट से लड़ चुका है तो एंड्रयू का स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है तो उसके बारे में But, इसके बारे में 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 ज्यादा कह नहीं सकते बट इसके टोबी ने नोवे होम में बताया था तो उसको भी इसके बारे में पता चल ही गया था एंड एमसीयू में तो वेनम का टुकड़ा है ही जिससे टॉम का स्पाइडरमैन आगे जाकर जानेगा क्योंकि सोनी के किसी भी कैरेक्टर को मार्वल वाले स्पाइडरमैन की मूवी में छोड़ के किसी और में नहीं दिखा सकते हैं अनलेस कोई डील हो मे बी सोनी वाले जितने भी कैरेक्टर्स के मूवी निकाल रहे हैं उन सब को वो नल से भीड़ाएंगे। वैसे भी की में हम ने टोबी के बाद में ये की जिस यूनिवर्स में मोरबियस की कहानी टेक प्लेस कर रही है वहाँ का स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर है नाउ जस्ट इमेजिन की एक ऐसी मूवी जिसके ट्रेलर में ही आपको तीनों स्पाइडरमैन वेनम वगैरह साथ में दिखे तो लोग कितने हाइपट हो जाएंगे एस नोवे होम में तो लिक पिक्चर से काम चलाना पड़ रहा था बट नल के साथ जब भीड़त होगी तो वो लोग ट्रेलर में ही देख लेंगे कि ये तीनों एक साथ आ रहे हैं तो क्या ही बवाल मच जाएगा सो so, अगर मैं हृदय भाई के सवाल का कंक्लूसिव आंसर दूं तो वेनम को एमसीयू में इसलिए दिखाया गया ताकि जब नल से भिड़ने की बारी आए तो सोनी वाले टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एमसीयू से उठाकर अपने यूनिवर्स में दिखा सके एज वेनम को नोवे होम में दिखाकर उन लोगों ने स्टेब्लिश कर दिया है की भले ही मार्बल कैरेक्टर्स के राइट सोनी और डिजनी के पास है और वो बटे हुए है और ये दोनों ही कंपनीज अपने यूनिवर्स बना रहे हैं बट फैन से पैसा निकलवाने के लिए वो लोग अपने कैरेक्टर्स को इधर से उधर भेजने से बिल्कुल भी नहीं हिंच जाएंगे क्योंकि बॉस मेन मकसद तो पैसा कमाना है एंड हम फैंस ही है खुशी -खुशी पैसा देने के लिए। तो क्या होता एटमैक्स पीटर उससे लड़के उसको डॉक्टर जेल में कैद करता जहाँ एडी देखता की पीटर तो सबकी मदद कर रहा है तो वो गॉबलिन को रोकता जिससे शायद तक आट में नहीं मरती अगर ये भी नहीं होता और वेनम डॉक्टर ऑक्टोपस के जैसे ही वहाँ से भाग जाता तो एंड फाइट में भी वो पीटर का ही साइड लेता क्योंकि हमारा एडी हीरो है ना कि विलन प्लस उसका कोई भी पंगा नहीं है पीटर के साथ तो एंड फाइट सीक्वेंस में वो पीटर का मदद करता तो ऐसे में जो फाइट होती है वो थ्री वर्सेस थ्री नहीं बल्कि फोर वर्सेज थ्री हो जाती इसके बाद जब डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉबीन लेट ऐसी ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद तो ये फाइट फाइव वर्सेज फोर हो जाता जो की किसी भी तरह ऐसी बैलेंस फाइट नहीं देता ऊपर ऐसी मूवी के एंड तरफ में हर विलन का किसी स्पाइडरमैन के साथ रिश्ता होने की वजह से एक इमोशनल टच देखने को मिलता है जैसे कि इस सीन में जब टोबी यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस से मिलता है किसी भी, भी, भी स्पाइडरमैन के साथ इन्वॉल्वमेंट so, होने से मूवी बेटर होने के जगह और कमजोर हो जाती एट मैक्स अगर अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता तो स्पाइडरमैन वर्सेज वेनम एक अच्छी चीज हो सकती थी जो की बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होती जिसको एक मूवी में एग्जीक्यूट किया जा सकता है जो कि शायद तक अमेजिंग में तो तो कभी कभी तो तो प्रिपेयर कर रहा हूँ नल वर्सेस सोनी यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स एकजुट देखने के लिए क्योंकि वो बहुत ही होने वाला है आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं या फिर आपका भी कोई ऐसा सवाल हो जैसे कि हृदय भाई का था तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा या फिर उसके ऊपर शॉर्ट ही बना दूंगा तो so गाइज आज के लिए बस इतना ही कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्लस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पुराने हैं तो प्लीज चेक की आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको जाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो की लोगो की मदद करे अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यून्ड